माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक है। तो मॉर्निंग हो चुकी है बस, और बहुत ज्यादा गर्मी है आज, मैं देख रही हूँ इतनी शदीद धूप है, और मुझे जाना है सलोन और मेरे जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है, इतनी शदीद धूप हो रही है। क्योंकि कल आते वक्त बड़ी चक्कर आ रहे थे इमरान को, तो वाकई में आ गए थे चक्कर। फिर आधे के साथ ही लीम का पानी बनाया था, उससे थोड़ी सी बेहतर हुई थी तबीयत। तो अभी फिलहाल नाश्ता बन रहा है, और मेरा वही डाइट वाला नाश्ता, बॉयल एग और मेरी टी, और बस जो सारा दिन की रूटीन होगी वो आपके साथ शेयर करूंगी। बस आजकल मेरी यही रूटीन होती है कि घर पर रहूं या फिर सलोन जाऊं, दो ही काम है मेरे। बस मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक वाली कहानी हो गई आजकल मेरी, बस कहीं बाहर बाहर जाना मेरा हो नहीं रहा बिल्कुल भी, तो बस ऐसा ही है। तो अभी फिलहाल थोड़ा बिजी हूँ, फ्री होंगी तो फिर कहीं बाहर। तो मेरा आ गया है मज़ेदार सा नाश्ता, अंडे, बॉयल अंडे। वाह, आजकल बड़ा हेल्दी हेल्दी नाश्ता चल रहा है मेरा भी। आदा, आदा। क्या चीज इधर है? चलो शूज पहनो। तो गाइज अभी हूँ मैं सैलून में, बस जल्दी जल्दी नाश्ता किया और सैलून आ गई थी क्योंकि यहाँ पर मुझे था काम। आई क्या सोच में आई देखो। One hour later. तो गाइज मैं आई हूँ अभी सैलून से घर पर, और बहुत टाइम हो गया, 11:30 बज रहे हैं, काम में बस होती तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, और अभी आते के साथ ही खाना बनाने का तो मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। तो भिंडी की भुजिया खाने वाले हैं हम लोग, अभी मेरी भुजिया गर्म हो जाए। दो आयत तो बिरयानी सुरीला, खाना हो गया है, और बस अभी आज बहुत ज्यादा टाइम हो गया मुझे सैलून से आते आते, ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा था, एक जगह और जाना था, इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा टाइम हो गया। और अयान हमारा इंतजार कर रहा था क्योंकि आज इसकी छुट्टी थी। अयान सुबह की तैयारी हो गई है स्कूल की? हो गई है। और ये बताओ तुम्हारे कितने फ्रेंड बने? तो एक अयान है और अयान फैजी। मजा आता है स्कूल में? मजा आता है, न्यू स्कूल है ये, मजा आता है इसमें? मजा आता है। टीचर अच्छी है? बहुत अच्छे, कोई डांटती नहीं है। और जो है ना कोई गर्ल्स हैं यहाँ पर? एक क्लास में गर्ल्स भी हैं भाई, इनकी क्लास, तुम्हारी क्लास में है गर्ल्स? गर्ल्स भी हैं सारी क्लास में। गर्ल्स दोस्त नहीं बनी? नहीं बनी, बस एक ही तुम्हारी दोस्त है, तुम्हारी बहन ही है। बस सुबह दो दिन की छुट्टी हो गई, ऐश हो गए, हफ्ता इतवार। खैर अयान की तो हफ्ते को भी एक्स्ट्रा क्लास थी, हफ्ते को भी गया था ये स्कूल, आज तो खैर संडे था। तो बस सुबह की स्कूल की तैयारी होगी, और हम लोग अभी खाना खाकर बैठे हैं, इमरान कहीं बाहर गए, और अभी हम लोग, मैं तो ग्रीन टी पीऊँगी अपनी खाने के बाद फौरी। ग्रीन टी नहीं है बेसिकली, वो किसी और जो मैंने बहुत सारे वो चीज़ें डालकर जो एक वो बनाया है, पाउडर बनाया है, जिससे जब मेरा वेट कम हुआ मैं उसको जब भी बताऊँगी, अभी तो मैं नहीं बताऊँगी क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है अभी बताने का, जब कोई मुझ पर असर नहीं करेगा तो फिर फ़ायदा क्या। लेकिन मेरी बहुत स्ट्रिक्ट डाइट चल रही है फिलहाल, अभी आज काफ़ी दिन हो गए मैंने रोटी नहीं खाई है, सही है, और जो है ना मतलब अल्टरनेट वाली कोई चीज़ें खाई हैं लेकिन सिर्फ रोटी नहीं खाई है, रोटी और चावल नहीं खाया है। अगर चावल खाए तो एक या दो निवाले इस तरह, वरना ऐसे नहीं कि जैसे पहले खाते थे हम प्लेट भरा और लेके बैठ गए और खाना खाया तो पूरा पेट भर के खाया, ऐसा अभी तक एक हफ्ता हो गया मैंने अभी तक ऐसा नहीं किया कि मेरा पेट भर के मैंने खाना खाया हो। खा रही हूँ, ये नहीं कि मैं बिल्कुल भूखी हूँ, लेकिन जो है ना अभी देखते हैं कब तक चलती है डाइटिंग, अल्लाह ताला और मुझे हिम्मत दे जो पूरी मैं कर लूँ और मैं पतली हो जाऊँ,
तो बस यही है, काफी दिन से ये चीजें जो ना मैं शादी से पहले बहुत ज्यादा करती थी कि बहुत ज्यादा कभी कभी बहुत भूत चढ़ता था राइटिंग करने का, तो फिर लगातार हो जाती थी। और उस वक्त ये होता था 2-3 महीने होती थी साथ में, तो फिर चलता भी था। तो ये चीज है ना, शादी से पहले बहुत ज्यादा चलती थी कि बस राइटिंग स्टार्ट कर दी तो फिर ज्यादा बहने होते थे, तो फिर उसमें ये होता एक दूसरे को देख हम देख राइटिंग स्टार्ट कर दिया करते थे। और उस वक्त तो बड़ा मजा आता था, रात में 2-2, 3-3 घंटे के लिए हम लोग जॉब वो ऊपर निकल जाते थे वॉक करने के लिए, कह रही हूँ जॉब के लिए वॉक के लिए निकल जाते थे, और फिर बड़ा मजा आता था। वो दिन तो मैं भूलती नहीं हूँ, खासकर सर्दियों में हम लोग ने ग्रीन टी या कॉफी बनाई और हम लोग छत पे चले गए वॉक करने के लिए। वो दिन तो मैं आज तक भूलती नहीं हूँ, बहनों के साथ में इतना मजा आता था। और कोई कजन वगैरह भी आ जाती थी तो उनके साथ भी हमारा छत पे बहुत ज्यादा टाइम गुजरता था, क्योंकि नीचे सारे वो अम्मी और सारे बड़े सब लोग बैठे होते थे, हम लोग ऊपर छत पे चले जाते थे बातें करने के लिए, और सारी कजने वगैरह मिलके खूब हंसी मजाक होता था। बहुत बहुत वो दिन, पता नहीं जब भी सर्दियां स्टार्ट होती हैं मुझे वो दिन याद आने शुरू हो जाते हैं। कुछ नहीं तो कॉफी पीने के लिए बाहर चले जाते थे सारे के सारे मिलके। अब सबकी शादियां हो गई, सब बड़े बड़े हो गए, पता नहीं अब वो दिन कभी दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन वो मैं भूलती नहीं हूँ वो दिन। तो बस वो पुरानी यादें इंसान कभी भी भूल नहीं सकता अपनी, खासकर वो बचपन की या शादी से पहले वाली रूटीन लाइफ। और अब तो ऐसी लाइफ हो गई है बिल्कुल कि किसी के लिए टाइम ही नहीं है, बहनों की कॉलें आ रही होती हैं फिर रिसीव करने का टाइम नहीं होता, नहीं करो यान रिसीव करने का टाइम नहीं होता, बात करने का टाइम नहीं होता, इस तरह हो रहा होता है। तो लेकिन वो दिन बहुत याद आते हैं मुझे। अब तो ये है कि बस काम से आओ घर पर काम करो, आने के बाद फिर सो जाओ, फिर सुबह उठो, फिर चले जाओ। घर में होती हूँ तो फिर भी सारा दिन कामों में मसरूफ होती हूँ, बच्चों के साथ में मसरूफ होती हूँ। बहुत अब बहुत टफ लाइफ हो गई है, खासकर मेरी। बहुत सारे रिश्तेदार भी सब लोग ये कहते हैं कि शक्ल से भी तरस गए हैं, तो मैंने कहा इसीलिए मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है ताकि सारे मेरी शक्ल देख लें, वरना किसी सबके घरों पर तो जाना बिल्कुल छोड़ दिया है मैंने। तो अभी आ गई है मेरी ग्रीन टी, अब खाने के बाद की, खाना वाना तो खा ही लिया था, तो बस अभी लाइट चली गई थी और अभी लाइट दोबारा से जाने वाली है, बहुत देर में ही आएगी लाइट यहाँ पर। तो बस आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ में। जिसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कमेंट और शेयर भी कर दें। और मैं बहुत सुबह की उठी हुई इसलिए मुझे जो है ना बहुत नींद आ रही है, और सुबह स्कूल अयान को जाना है तो इसलिए नींद आएगी भी नहीं वैसे भी, तो जागती ही रहूंगी। तो बस ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, अल्लाह हाफिज़।